एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हुए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को खत्म कर चुके थे जेंटलमैन। हम लोगों ने बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन, बोर्स किस्नर रिडक्शन, क्लीमेंसर रिडक्शन जैसी रिएक्शंस को सीख लिया था। जरूरी है कि रिएजेंट आपको याद रहे, उसके लिए हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये कोई कंपाउंड दिया है, और इसको हीट कर रहे हैं हाइड्रोजन, कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन की प्रेजेंस में हम इसे हीट कर रहे हैं जेंटलमैन। मैंने आपको बताया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते, ये केवल एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करते हैं। एल्डिहाइड को प्राइमरी एल्कोहल में और कीटोन को सेकेंडरी एल्कोहल में रिड्यूस करते हैं। लेकिन अगर कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन कराया जाए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हुआ है, मतलब ये कीटो ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों को रिड्यूस कर देगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा फाइनल आंसर वो क्या बनने वाला है, इस तरह से। तो आपको जो भी थ्योरी पढ़ाई गई है वो आपको ध्यान रखना है कि कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन से डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा और कीटोन ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्कोहल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराऊं, तो आप देख पा रहे हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा जेंटलमैन, केवल कीटोन ग्रुप को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा जेंटलमैन। एक कंपाउंड ये है, और अगर इसको हम ट्रीट कराएं सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो आप देख पा रहे हैं कि ये कीटोन ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड वगैरह है नहीं, तो सिंपली जो कीटोन ग्रुप होगा वो 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा जेंटलमैन। तो रिजल्ट अगर याद होंगे तो आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। एक कंपाउंड ये दिया गया है, समझिए इसकी कहानी क्या है। ये कीटोन ग्रुप है और ये OH ग्रुप है, और रिएजेंट लिया गया है जिम अमलगम और HCl। तो मैंने आपको बताया था कि क्लीमेंसर रिडक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होता है CH2 में। जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में। लेकिन यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जेंटलमैन, तो ये OH को भी
रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे सब्सिट्यूशन होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन। ये अल्कोहल 2 डिग्री है तो यहाँ पे ये सब्सिट्यूशन होगा, तो प्रोडक्ट आप जरा ध्यान से देखेंगे क्या बनने वाला है कि जब ये सब्सिट्यूशन होगा तो ये क्लोरोसाइक्लोपेंटेन इतना आएगा और ये सी जो डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ है वो सी एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा जनरल में। तो आप ये देख रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन में रिडक्शन हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, सब्सिट्यूशन हो रहा है, सब्सिट्यूशन हो रहा है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है जेंडर में कि रिडक्शन किसका हो रहा है, सी डबल बॉन्ड का, और सब्सिट्यूशन किसमें हो रहा है, OH निकल के CL आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन और किया जाए ये बेंजीन है, यहाँ पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया और रिएजेंट दिया था ZnHCl, ये एक्सिस में भी लिखा हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं जेंटलमैन यहाँ पे फिर से दो प्रकार की सिचुएशन जनरेट हो रही है कि एक तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ये रिड्यूस हो जाएगा और ये NO2 रिप्लेस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है देखें जरा। ये बनेगा यहाँ सी एच टू आ गया और यहाँ पे सी एल आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जेंटलमैन आप देख पा रहे हैं कि एनओ टू, सॉरी ये रिडक्शन होगा तो एनओ टू का रिडक्शन NH2 में हो जाता है। ध्यान रखें यहाँ से कि जो NO2 ग्रुप होता है, जो NO2 ग्रुप होता है यू कैन सी दैट कि जो NO2 है वो रिड्यूस हुआ किसमें, NH2 में, और जो OH आएगा वो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा जेंटलमैन। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है और जो CO होगा वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीन बातें यहाँ से निकल के आ रही हैं क्वेश्चंस में, और अगर क्वेश्चंस को किया जाए और आपको क्लोरोबेंजीन और पैरा पोजीशन पे ये आप देख पा रहे हैं और रिएजेंट लिया गया है, रिएजेंट लिया गया है हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ, हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बताया था मैंने OH माइनस और हीट किया गया है। तो देखो यहाँ पे ये CN और ये यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये रिप्लेस करेगा, तो अगर ये रिप्लेस करेगा तो इधर OH आ जाएगा और इधर जेंटलमैन ये रिडक्शन हो जाएगा, तो ये इथाइल फिनॉल बनेगा, यू कैन चेक दैट इथाइल फिनॉल। तो इस तरह से आप अगर रिजल्ट याद रखते हैं जेंटलमैन, अगर इस तरह का क्वेश्चन एक और किया जाए यहाँ पे BR लगा हुआ है जेंटलमैन और यहाँ पर डबल बॉन्ड है
और अगर N2H4 है, N2H4OH माइनस, तो एल्कोहलिक होगा ये बेसिक मीडियम। तो आप चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं कि इसका रिडक्शन हुआ, और जब इसका रिडक्शन हुआ तो ये CH2 हुआ जेंडर में, ठीक है ना। और ये यहाँ पे बेसिक OH भी आया है, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं बेसिक OH आया है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन फेवर होगा और इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं जेंडर में इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा अल्किन। तो यू कैन चेक दैट कि कब एल, मतलब आपको रिजेंट याद रखने हैं, और रिजेंट याद रखने के साथ साथ आपको सारी बेसिक चीजों में जो आप 11th से लेके अभी तक सीख चुके हैं कि भाई या तो एडिशन होता है या सब्स्टिट्यूशन होता है या एलिमिनेशन होता है, ठीक है ना, और अब उसके बाद या फिर ऑक्सीडेशन हो सकता है या फिर रिडक्शन हो सकता है ना। ये सब चीजें अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब इसी तरह का अगर आप क्वेश्चन और करें, जरा देखें, मुझे ऐसा ध्यान है कि ये 12.4 है एनसीईआरटी में, जो एग्जांपल है वो 12.4 है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फॉर्म एन ऑरेंज रेड पीपीटी विद 24DNP रीजन। ये जब रिएक्शन करता है 24DNP रीजन, DNP रीजन, तो क्या बनाता है, ये बनाता है साहब ऑरेंज रेड पीपीटी बनाता है, ऑरेंज रेड पीपीटी एंड गिव्स येलो पीपीटी ऑन हीटिंग, और I2 और NaOH के साथ येलो पीपीटी बनाता है। एक नाइट्रो टॉलरेंस रिएजेंट, एक नाइट्रो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन नॉट डज नॉट इट कलराइज ब्रोमीन वाटर ऑन बेयर्स रिएजेंट। इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि ये टॉलरेंस रिएजेंट को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ या ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, जेंटल does not react on drastic oxidation with chromic acid, drastic oxidation with chromic acid, अगर इसे H2CrO4 की प्रेजेंस में ट्रीट कराया जाए तो इट गिव्स एन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है जनरल में, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फॉर्मूला है C7H6O2। C7H6O2 और बोलेंगे आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड बी, एक्सप्लेन द रिएक्शन। आपको ए एंड बी जो कंपाउंड है, मतलब बी कौन सा कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुन लीजिएगा जरा, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ए एंड बी, ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। देखिए मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा दूं कि क्वेश्चन क्या है, कि कोई कंपाउंड है जो ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दिया गया है C8H8O, जेंटल में
C8H8O के लिए इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि अगर इसी में 2,4-DNP रिजेंट के साथ, हम लोगों ने अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का कॉन्सेप्ट आया था, तो 2,4-DNP रिजेंट वही है, उसके साथ जब हम ट्रीट कराते हैं तो ऑरेंज रेड पीपीटी बनता है सर। आयोडीन और एनओएच के साथ येलो पीपीटी देता है। टीआर टॉलेंस रिएजेंट फेरिक सॉल्यूशन और ब्रोमीन वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। क्रोमिक एसिड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2 है जनरल में। तो आपको ए और बी की स्ट्रक्चर को या नाम को कुछ भी समझना है, आइडेंटिफाई करना है। अब खास बात आप ये समझो हम लोग कैसे इसको शुरू करते हैं कि जो कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला C8H8O है, तो पहले तो एक बात क्लियर हो गई कि ये या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, इसलिए कि एल्कोहल और ईथर, मैं आपको बता दूं आपने पढ़ा भी होगा, एल्कोहल और ईथर 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो या तो साहब एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि एल्डिहाइड या कीटोन दोनों इसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन टीआर फिलिंग सॉल्यूशन समझ ना ये भी रिएक्शन देते हैं सब, है ना, तो इसे भी हम मतलब आप देख पा रहे हो ना कि टॉलेंस रिएजेंट फिलिंग सॉल्यूशन और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्वेश्चन में दिया गया है, तो वाटर के साथ ब्रोमीन वाटर जिसको आप बोलते हैं मतलब कि इसको कलर को डीकलराइज नहीं करता, बेयर्स रिएजेंट के साथ भी नहीं करता, फिलिंग सॉल्यूशन के साथ भी नहीं करता, टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी नहीं करता, तो मतलब ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता, दिस कीटोन दिस कंपाउंड मस्ट बी कीटोन। ये जो कंपाउंड है वो कीटोन ही होगा जेंटलमैन, इस बात का बिल्कुल कंफर्मेशन हो गया कि ये कंपाउंड कीटोन होगा। अब आगे वो कह रहा है कि ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज भी नहीं करता, बेयर्स रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, मतलब और ये आयरोफॉर्म टेस्ट देता है। समझो बात को ध्यान से, मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूं कि ए गेट्स आयरोफॉर्म टेस्ट। आयरोफॉर्म टेस्ट का मतलब इट फॉर्म आयरोफॉर्म CH3 बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म, ये CH3 बनाता है। तो अगर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है मतलब ये मिथाइल कीटोन होगा, बात को आप क्लियर करें कि इट मस्ट बी मिथाइल कीटोन। तो अगर ये मिथाइल कीटोन हुआ तो जो ए का स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है, ये हो सकता है जिसको आप बोलते हैं एसिटोफिनोन, क्या बोलेंगे जेंटर में एसिटोफिनोन, या इसी को बोल देते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये एक एरोमेटिक कीटोन है। तो ये ए कंफर्म होगा। अब ए किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ए किसके साथ रिएक्शन कर रहा है साहब, ए रिएक्शन कर रहा है 2,4
डीएनपी के साथ, तो 2,4 डीएनपी के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो 2,4 डीएनपी का मतलब ये होगा, 2,4 डीएनपी का स्ट्रक्चर ये होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो साहब अमोनिया का डेरिवेटिव है तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा, है ना, तो इसका ऑक्सीजन और इसका H2 निकल जाएगा। तो जब वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो क्या बनने वाला है देखें जरा, यहां पे क्या रहा, CH3 डबल बॉन्ड से ये कनेक्ट हो जाएगा NH, ये सब ऑरेंज रेड पीपीटी बन गया, ऑरेंज रेड पीपीटी बन जाएगा, ये ऑरेंज रेड पीपीटी बन जाएगा, 2,4 डीएनपी कंपाउंड बन जाएगा ऑरेंज रेड पीपीटी। आप बात को ध्यान से समझें, क्या बन जाएगा, ऑरेंज रेड पीपीटी बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, ए की I2 और NaOH के साथ। जब I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करानी है तो सेकेंड रिएक्शन में लिख रहा हूं कि ए क्या है साहब, तो मैंने आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन सिखाई थी, मैंने आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन सिखाई थी कि हाइड्रोफॉर्म बनता है और जो ये मॉलिक्यूल है ये कार्बोक्सिलेट बनाता है, तो बन जाएगा सोडियम बेंजोएट और साथ में CHI3, ये येलो कलर का बना, ये येलो पीपीटी बन गया जेंटर में, येलो पीपीटी जिसको आप आयलो फॉर्म बोलते हो और ये सोडियम बेंजोएट हो गया। अब एक रिएक्शन और है जेंटर में कि ए क्या था, C6H5COCH3, ये एरोमेटिक कीटोन है और ये क्रोमिक एसिड है साहब, H2CRO4, और H2CRO4 के कांटेक्ट में जब ये आया तो ये ऑक्सीडाइज कीटोन बहुत ही रेयर कंडीशन में एसिड बनाते हैं साहब। और आप ये देखेंगे C7 फॉर्मूला क्या दिया था, C7H6O2, दिस वन इज बेंजोइक एसिड। तो ये जो रोड मैप का क्वेश्चन था ये हमने आपको क्यों बताया कि आपको एक बात तो ये पता चली कि रिजेंट का कहां पे कौन सा यूज है, दूसरी बात आपको ये समझनी है कि रोड मैप प्रॉब्लम आपको जरूर आनी चाहिए, इसलिए आनी चाहिए कि एक रोड मैप प्रॉब्लम करने का मतलब कि कम से कम 3 से 4। देखो जब ये रोड मैप प्रॉब्लम हमने आपको बताई तो इसमें देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन भी आ गई, इसमें आप देखें तो अमोनिया डेरिवेटिव भी आ गया, इसमें कीटोन का ऑक्सीडेशन भी आ गया, इसमें पीपीटी की भी इंफॉर्मेशन आ गई। तो कहने का मतलब ये है जेंटलमैन कि आप एल्डिहाइड कीटोन की अगर आप बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड कीटोन में एडिशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बहुत बड़ा महत्व है, मतलब क्वेश्चन अगर आएगा तो इनका यूज जरूर होगा। अब एल्डिहाइड कीटोन आप बात को समझो कि एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है या कीटोन अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। मतलब अगर मैं चर्चा कर रहा हूं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ। तो रिमेंबर वन पॉइंट जेंटलमैन कि अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन कर रहे हैं तो अभी तक आपने सीखा क्या है कि भाई एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो एसिड बन जाएगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन विग्रस कंडीशन में होता है। ध्यान ये देना है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता था, विग्रस कंडीशन में होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन तो किसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है एल्डिहाइड का, किसका रिडक्शन आसानी से, किसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है एल्डिहाइड का, किसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है कीटोन का। तो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे देन कीटोन। मतलब आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड गेट इजीली ऑक्सीडाइज बट कीटोन नॉट, कीटोन गेट ऑक्सीडाइज अंडर विग्रस कंडीशन। एल्डिहाइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट या बोल सकते हैं रिडक्टेंट देन कीटोन्स। जेंटलमैन किसी भी ऑक्सीडेंट को लेने पर, किसी भी ऑक्सीडेंट को लेने पर एल्डिहाइड नॉर्मली एसिड में ऑक्सीडाइज होता है लेकिन कीटोन मैंने आपको बताया कि विग्रस कंडीशन में ही, मतलब हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया और हीट वगैरह किया, दुनिया भर की नौटंकी की, तब जाके वो एसिड में कन्वर्ट होता है और मिक्सचर ऑफ एसिड देता है। मैंने आपको पॉप्स रूल बताया था, डाइकार्बोनिल कंपाउंड में भी कीटोन चला जाता है सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। लेकिन एल्डिहाइड बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जो बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑक्सीडेशन जब एल्डिहाइड का होता है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट के अलावा कुछ माइल्ड ऑक्सीडेंट भी होते हैं जिनको आप टॉलिंस रीजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, मर्क्यूरिक क्लोराइड, सिर्फ रीजेंट आदि की कैटेगरी में रखते हैं। आप पाएंगे कि एल्डिहाइड टॉलिंस रीजेंट के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि मैं पॉइंट लिख चुका हूं इजिली गेट है ना, फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, सिर्फ रिजेंट के साथ पैरारोजेनिलीन के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन कीटोन इनके साथ रिएक्शन नहीं करता। अभी हमने क्वेश्चन भी किया इसके पहले कि कीटोन मिथाइल कीटोन स्पेशली आइडोफोन टेस्ट देते हैं, बाकी फिलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट एक्चुअली में खुद रिड्यूस होता है,
फेनिक सॉल्यूशन खुद रिड्यूस होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन खुद रिड्यूस होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड जिसको हम कोरोसिव सब्लिमेट बोलते हैं खुद रिड्यूस होता है, सिर्फ रिजेंट खुद रिड्यूस होता है, ये ऑक्सीडाइज होते हैं। और जब एलडीआई ऑक्सीडाइज होंगे इन सबके केस में तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। कार्बोक्सिलेट आयन का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो दूसरा वाला रिजेंट रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा तो पीपीटी बनेगा। टॉलिस रिजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनता है, फेलिक सॉल्यूशन के साथ रेड पीपीटी क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड कोरोसिव सब्लिमेट के एलुमल में कन्वर्ट होता है जो फर्दर ब्लैक में मर्करी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इस तरह की एटसेट्रा जितने भी ये टेस्ट है, जितने भी रिजल्ट हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लेबोरेटरी। ये हम प्रैक्टिकल पोर्शन में भी पढ़ते हैं। और ये हम डिटेक्शन अगर किया जाए कि एसीटोन और एसीटेटीआई में अगर डिटेक्शन किया जाए तो हम इन रिएक्शंस की चर्चा कर सकते हैं। तो रिएक्शंस के रिजल्ट क्या हैं अगले लेक्चर में सीखेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे और रोड मैप क्वेश्चन मैंने जो कराया और उसके पहले जो क्वेश्चन कराया उनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में और ऐसे क्वेश्चन होंगे उनको करिएगा और रिजल्ट याद रखिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।